कोरोना महामारी में बीमारों के इलाज में सहायता करने वाले कोरोना योद्धा अब वेतन के लिए विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले CMO कार्यालय का घेराव भी किया और जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही कर्मचारियों ने डिप्टी CMO को ज्ञापन भी सौंपा और वेतन की मांग भी की, जिस पर डिप्टी CMO ने जल्द ही कर्मचारियों को वेतन देने का आश्वासन भी दिया है। 2 महीने से बंद है और 1 साल 2019 में भी बंद रही। क्या वजह बता रहे हैं? डलवा देंगे ये बोल रहे हैं। अभी तक डलवाई तो है। कितना मुश्किल हो रहा है गुजारा चलाना? बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं फरीदाबाद BK हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड के पद पे। अच्छा, तो कब से आपको सैलरी नहीं मिली और कितने समस्याएं? दो महीने से सैलरी नहीं मिली है और 3 साल से मैं ड्यूटी कर रही हूँ यहाँ पे, और 2019 की जुलाई की हमारी सैलरी अभी तक नहीं मिली है और घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस कोरोना के महामारी में भी हमने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है, रोज़ हम ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। और ड्यूटी से निकालने के लिए हमें ये धमकी दी जा रही है कि ड्यूटी से निकाली जा रही है, 1 महीने की और हमारी जॉब रह गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज हमारे BK फरीदाबाद के जो हमारे ठेके के कर्मचारी इसमें काम करते हैं, उन कर्मचारियों को अभी तक 2 महीने से हमारा वेतन बकाया है। जुलाई माह का वेतन अभी तक नहीं दिया, आज 31 अगस्त हो गई, इस वेतन की भी अभी तक प्रशासन ने यहाँ पर कोई तैयारी नहीं करी है। और जुलाई 2019 का एक वेतन हमारे एक तनख्वाह महीने की हमारी तनख्वाह इन पर बकाया है। आज इस मांग को लेकर आज हम CMO साहब के कार्यालय पर आए हैं, हमने प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है कि हमारी कम से कम हमारे वेतन का भुगतान करें। जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे 11,000 हैं, उन 11,000 कर्मचारियों को हरियाणा प्रदेश की सरकार छटनी करना चाहती है। एक तरफ तो यहाँ कोरोना महामारी बड़ी तेज़ी से पूरे हरियाणा प्रदेश में आज है, 56,000 से कहीं ज़्यादा केस यहाँ पर आ गए, और आज हमारे जो स्वास्थ्य के हमारे कर्मचारी जिनको हरियाणा सरकार कोरोना योद्धा कहती है, आज वो कोरोना योद्धा आज अपने CMO साहब से अपनी तनख्वाह की मांग को लेकर आज उनके कार्यालय पर यहाँ पर हम पहुँचे हैं। कोरोना महामारी में बीमारों के इलाज में सहायता करने वाले कोरोना योद्धाओं को उनका वेतन समय पर ना मिल पाने के चलते स्थिति ऐसी बन गई है कि उन्हें अब वेतन के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। करीबन 2 महीने वेतन ना मिलने से परेशान कर्मचारियों को डिप्टी CMO ने जल्द वेतन देने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी ये देखना होगा कि कब ठेके कर्मचारियों को उनका वेतन उन्हें मिल पाता है। भारत 9 के लिए फरीदाबाद से प्रेम खान की रिपोर्ट।